हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे फ्लोड प्रॉन एरियाज इन इंडिया मैप। ठीक, हम क्या देखेंगे कि हमारे कहाँ पे फ्लोड प्रॉन एरिया से कहाँ कहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है हमारे इंडिया मैप में। ठीक, इंडिया में कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन से रिवर हैं, तो आइए देखते हैं। पहला हो गया हमारा, ये हमने पहले से शो कर रखा है, तो हम यहाँ आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, फ्लॉड प्रॉन एरिया हो गया। ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, हम आपको स्टेट ही बता दे रहे हैं। ये हमारा पंजाब में है, पंजाब। ठीक, वैसे स्टेट शायद ही पूछा जाता हो, लेकिन एरिया मैप में आपसे पूछा जा सकता है इस वजह से, लेकिन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। और ये वाला जो एरिया हो गया हमारा, ये क्या, ये भी फ्लॉड प्रॉन एरिया हमारा, हमको वाइट कलर से दिखा दे रहे हैं आपको। ये हो गया हमारा फ्लॉड प्रॉन एरिया पूरा। ये ठीक, ये वाला ये हमारा क्या हो गया, फ्लॉड प्रॉन एरिया हो गया। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, बिहार, इस साइड से शुरू करते हैं, बिहार आता हमारा, बिहार। फिर इधर आते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे संपार्श्व हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। ठीक, ये इतना एरिया हो गया हमारा। फिर इधर आते हैं तो रिवर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंगा बेसिन है ये हमारा। यहाँ पे कोसी रिवर हो गया, और गंडक हो गया, घाघरा हो गया, राम गंगा हो गया, गंगा, यमुना, शारदा, यमुना यथर गई है, सारे रिवर्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फ्लॉड प्रॉन एरिया ज़्यादा, यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, और इधर के एरिया में भी आता है। यहाँ तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आती है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं, बाढ़ आती रहती है। तो ये कौन सा स्टेट हो गया हमारा, आसाम हो गया, आसाम, आसामी वाला एरिया हो गया। और ये मेघालय हो गया, संपार्श्व मेघालय, मेघालय, मेघालय। ठीक, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, इधर की रिवर हमने बताई आपको, और यहाँ पे सतलुज रिवर गई है, पढ़ लिया पहले ही कई बार। स्टेट तो हम जानते ही हैं, फिर भी हम स्टेट आपको बता दे रहे हैं। और ये क्या हो गया हमारा, इस वाले एरिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं हमारे, यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता हमारा इस साइड वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल आता है इसमें। ठीक, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा लिख सकते हैं आप, बाकी उड़ीसा में ये आता है, उड़ीसा स्टेट हो गई। यहाँ पे रिवर कौन सी है, महानदी, हमने अभी कल ही देखा था महानदी। हालांकि ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, एरिया पूछा जा सकता है, इस वजह से एरिया पे मेन फोकस रहेगा। बाकी रिवर और स्टेट हम तो जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है। बाकी इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं इसको हम ऊपर देख लेते हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, जो रिवर और स्टेट हम जानते हैं, बाकी एरिया आपको पढ़ना है। इसमें कौन सा, गुजरात हो गया, गुजरात, गुजरात में हमारा रिवर क्या था, साबरमती रिवर, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ले लेते हैं, गुजरात पूरा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र भी ले सकते हैं आप। और रिवर कौन सी हो गई इसमें, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। ठीक, अब क्या आ गया, यहाँ पे साबरमती आता है, और इधर से आप जाएंगे तो ऐसे नर्मदा हमारी गई है, फिर तापी गई है, यहाँ की माही गई है, माही हो गया। खैर, हम आपको रिवर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नर्मदा हो गया, तापी हो गया, हमने इसे पहले पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं इस वजह से, रिवर्स की वजह से यहाँ पे
क्या आता है, बाढ़ आता है, ठीक। तो रिवर भी आप जानते रहेंगे तो बाढ़ आसानी से बता सकेंगे। ये एरिया हमारा कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे गोदावरी रिवर आई हुई है, रिवर भी लिखते हैं, रिवर रहने देते हैं। और ये भी हमारा कहाँ आता है, यहाँ ले देते हैं, महाराष्ट्र प्लस छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़, ठीक। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हमने यहाँ पे प्लस करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, छत्तीसगढ़ पूरा नहीं लिखा है, वहाँ आता ही। फिर ये कहाँ पे आता हमारा, ये आता है कर्नाटका में, कर्नाटका में हमारी कृष्णा जाती है, ऐसे कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, बाकी रिवर्स हम जानते ही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लड प्रोन एरिया हो गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, इधर का एरिया पंजाब, फिर यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर का एरिया, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से आसाम, मेघालय, इसका भी रिवर लिख देते हैं, रिवर क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। ये ऐसे इतना है, इधर का एरिया हो गया, इधर का हो गया, ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आसाम, मेघालय, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे उड़ीसा, रिवर महानदी, और यहाँ पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, बाकी यहाँ पे हमारा गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र, और ये कर्नाटका हो गया, सारा हो गया, हमने देख लिया, ठीक। और तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोड प्रॉन एरियाज हो गया, हमारे एरियाज हमने शो कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, आसानी से बना भी सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि एरिया मतलब मैप में शो करने को, तो आप ऐसे शो कर दीजिएगा, आपसे शायद ही स्टेट या रिवर पूछा जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को तो स्टेट और रिवर वैसे भी पता है, तो अगर वो ही पूछा जाएगा तो हमें आता है, नहीं तो बाकी यही केवल एरिया ही पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए कहाँ पे कौन सा एरिया है। अब इसके हम थ्योरी भी देख लेते हैं, ये आगे हमारी थ्योरी, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्लोड प्रोन एरिया इन इंडिया, ठीक। एक बार पहले हम रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ए फ्लोड इज ए कंडीशन इन विच वास्ट एरियाज ऑफ नॉर्मली ड्राई लैंड आर कवर्ड बाय वाटर। फ्लोड्स caused by the overflowing of rivers are called riverine floods, occur every year during the monsoon, especially in the Ganga, Brahmaputra basin. The rivers Brahmaputra in Assam, Kosi in Bihar and Mahanadi in Odisha cause severe floods. Coastal areas get flooded when the sea water rushes into the land during a storm. An annual flood is a serious problem in some parts of the country, particularly in Bihar, Assam, West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Gujarat, ठीक। ये कह क्या रहा है, ए फ्लोड इज ए कंडीशन, फ्लोड क्या है, एक कंडीशन है, इन विच जिसमें वास्ट एरिया ऑफ नॉर्मली ड्राई लैंड, मतलब नॉर्मल जो सामान्य रूप से सूखी भूमि है हमारी, वहाँ पे विशाल वास्ट एरिया मतलब विशाल क्षेत्र, नॉर्मल जो सूखे क्षेत्र हैं हमारे भूमि के, विशाल क्षेत्र जो सूखे भूमि के हैं, आर कवर्ड बाय वाटर, जब मतलब पानी भूमि के ऊपर आ जाता है, जो नॉर्मली रूखे रहते हैं, सूखे से रहते हैं विशाल क्षेत्र में, उसी को हम बाढ़ कहते हैं, ठीक। फ्लोड्स कॉज्ड बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड रिवराइन फ्लोड्स। ये फ्लोड्स कॉज्ड बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर्स के ओवरफ्लोइंग की वजह से जो बाढ़ आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवराइन फ्लोड्स कहते हैं, ठीक। अकर एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून, ये हर साल होते हैं, कब, ड्यूरिंग द मानसून, ठीक, स्पेशली इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन,
स्पेशली कहाँ पे होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में होते हैं। द रिवर्स ब्रह्मपुत्र इन आसाम, हमने देखा आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर, कोसी इन बिहार हमने बताया आपको, एंड महानदी इन उड़ीसा। कॉजेज सीवर फ्लोड्स, सीवर फ्लोड्स मतलब बहुत गंभीर बाढ़ आती है यहाँ पे, कॉज करते हैं यानी कारण बनते हैं ये उसके गंभीर बाढ़ आने के यहाँ पे। कौन कौन से, जैसे ब्रह्मपुत्र इन आसाम में, आसाम में ब्रह्मपुत्र हो गया, कोसी इन बिहार एंड महानदी उड़ीसा। ठीक, कोस्टल एरियाज गेट फ्लोडेड व्हेन द सीपोर्ट रशेस इनटू द लैंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जो हमारा कोस्टल एरिया है यानी नदी के किनारे वाला एरिया, ऐसा जो इधर का एरिया होता है इन्हें हम कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक, वहाँ पे कोस्टल एरिया गेट फ्लोडेड, वहाँ पे बाढ़ कब आ जाती है कोस्टल एरिया में, जब द सीपोर्ट वाटर रशेस इन टू द लैंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। स्टॉर्म के समय यानी जब आंधी आती है उस समय, जब सी मतलब समुद्र का पानी बहकर कहाँ जाता है, लैंड पर आ जाता है, उस समय कोस्टल एरिया में बाढ़ आ जाती है। फिर एन एनुअल फ्लोड इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पार्टिकुलरली इन बिहार। जो मतलब एनुअल मतलब हर साल आने वाला बाढ़ एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारा, सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब भारत यानी हमारे कंट्री में, हमारे देश में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आना एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है, जैसे पार्टिकुलरली इन बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। यहाँ सब में हर साल बाढ़ आती ही रहती है, हर साल बाढ़ आती है, तो इसी वजह से ये सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है हमारा। तो ये थ्योरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आज हमने पढ़ा फ्लड प्रोन एरियाज, हमने मैप में भी देखे और थ्योरी में भी हमने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।